जो हमारी मांगे होती, उल्टे हमें हमारे ऊपर तीन विष बुझे त्रिशूल इन्होंने घोप दिए। बहुत बड़ी विडंबना का विषय है कि भारत में ये एक संगठन एक व्यापक रूप से अपने पांव पसार चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सिख धर्म है जो हमारा हिंदू धर्म ही है, निश्चित रूप से निसंदेह हिंदू धर्म ही है, लेकिन एक वर्गीकरण कर रखा सिख धर्म का, सिख धर्म है हमारे उसमें, और हमारे मुस्लिम धर्म है, दूसरे भी धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म से ही की शाखा ही है, और इसके अलावा हमारा मुस्लिम धर्म है, हमारे संविधान में है, तो हमारा है, हमारा भाई है। हम तो पाकिस्तान में हमारा भाई था, सहोदर था, कोई विवाद उठ गया, अलग बढ़ गया, जिसको पाकिस्तान पाकिस्तान कह के हमें लड़ाते हैं, चाइना कह के, उनके प्रति मेरा अलग मत है, चाइना से मत लड़ाओ मोदी जी, पाकिस्तान से मत लड़ाओ, कह दो तुम मुझ पे लगा देना बिल्ला, पाकिस्तानी व्यक्ति बोल रहा है, कह देना पाकिस्तान का दलाल है, पाकिस्तान से पैसा खाया है। क्या स्वेच्छा संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं कर सकता? इस देश में सच पूछो तो सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव है और मीडिया पर भी दबाव है, खत्म हो चुका है देश, खत्म है देश। स्वागत है जी पंजाबी नैशनल टीवी देखते दर्शकों का गाजीपुर बार्डर से, जिथे हर तरह का वर्ग आण के आपो अपना इस अंदोलन के हिस्सा पा रहा, उत्थे साडे नाल जुड़ चुके हैं पंडित विजय चंचल जी, जिहड़ी अपनी कविता दे नाल इस अंदोलन दे विच किसानां दा साथ हमेशा पहला भी दिंदे रहे ते हुण भी दिंदे रहे। असीं उहनां नाल गलबात करदे हां। पंडित जी, आप इस अंदोलन को लगातार तीन महीने से लगातार इस अंदोलन से टच में हो, आप कैसे देखते हो कि जो सरकार से जो मांगे मांग रहे हैं, बेस इनकी मांगे जायज़ हैं, लेकिन सरकार बोलती है कि जे ऐसे ही बैठे हैं इनकी मांग को जायज़ नहीं है? निश्चित रूप से बिना किसी लाग लपेट के मैं ये कहना चाहूँगा कि निसंदेह किसान की मांगे हैं ये, और किसान की ये तीनों जो कानून जो लगाए हैं उनको निरस्तीकरण की मांग एकदम जायज मांग है, और ये मांग भी नहीं है सही मायने में, क्योंकि मांग ही नहीं थी, अब तो इनके निरस्तीकरण की मांग हमें करनी पड़ रही है कि इनको निरस्त किया जाए। मांग तो हमारी और भी समस्याएँ हैं किसान की, और उनके बाबत हमारी मांग उठनी थी, उसके बजाय जो हमारी समस्याएँ हल करनी थी, MSP का निर्धारण करना था, हमारे बच्चों को उद्योग के लिए बिना गारंटी के लोन देना था, इन्हीं उद्योगपतियों का इस्तेमाल करके 400-500 गज जमीन में एक बीघे में बिना किसी रेवेन्यू एग्रीमेंट के, केवल पंचायती एग्रीमेंट करके गांवों में 10-20 लोगों की गारंटी लेकर के इन लोगों का पैसा उसमें लगवाना चाहिए था माननीय मोदी जी को, और 10-10 लाख 20 लाख 1 लाख 1 करोड़ तक जो भी जितनी भी सीमा होती इन उद्योगपतियों से वहाँ करवा करके हमारे बच्चों को प्रशिक्षण तंत्र इनकी तरफ से स्थापित होता, उद्योगपति की तरफ से होता, और हम सफल होते। वो काम तो किए नहीं जो हमारी मांगे होती, उल्टे हमें हमारे ऊपर तीन विष बुझे त्रिशूल इन्होंने घोप दिए, विष में बुझा करके तीन कानून ये हमारे ऊपर हमारे किसान के हृदय पर आघात किया है। पंडित जी, हिंदू मुसलमान का राग अलाप कर धर्म की नीति राजनीति कर जे BJP सरकार सत्ता पे आ गई, अब जहाँ जो सड़कों पे रुल रहे हैं उनमें सभी हिंदू भी हैं और धर्म के लोग भी हैं, किसानी धर्म तो सभी का है ना, खाना तो सभी ने है, लेकिन BJP को अब ये क्यों नहीं दिख रहा कि हमारे हिंदू भाई भी सड़कों पे रुल रहे हैं? बहुत बड़ी विडंबना का विषय है कि भारत में ये एक संगठन एक व्यापक रूप से अपने पाँव पसार चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनकी जो नीति है इनके संगठन की और इनके जो अनुसांगिक संगठन हैं, पता नहीं क्या इनके मति भ्रष्ट हो रही है या क्या षड्यंत्र है या कहीं अदृश्य शक्तियों का कहीं हमारे देश पर नियंत्रण है, नियंत्रण करना चाह रही हैं वो अदृश्य शक्तियाँ इन BJP और RSS के माध्यम से, इनके अनुसांगिक संगठनों के माध्यम से। इनकी जो रणनीति है, जो इनके उद्देश्य हैं खाने के और दिखाने के, और जैसे कि ये कहीं राम मंदिर का मुद्दा लेके चलेंगे और उसमें तोड़फोड़ का हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम करेंगे, और भी नाना क्षेत्रीय स्तरों पे भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा देंगे, और इन मुद्दों को कहीं मतलब ऐसे ही कानूनों को और ऐसी बातों को ज़्यादा लेंगे मीडिया में, और मीडिया पर भी एक प्रकार का पैकेज दे करके या उन पर दबाव दे करके एक बहुत बड़ा वर्ग मीडिया का, बहुत बड़ा विडंबना का विषय भारत में, सबसे बड़ी त्रासदी तो यही है, अगर देश इनसे आज़ाद हो जाए तो ये बहुत आवश्यक है कि इस मीडिया को चुन चुन करके इंगित करना होगा सामाजिक संगठनों को भी और देश के अगले आने वाली सत्ताधीश को भी, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सत्ता है, चाहे किसानों की आए चाहे किसी भी राजनीतिक दल की आए, उनको चिन्हित करके इनको देश निकाला तक दिया जाए, ये आवेश की बात नहीं है। सबसे बड़े खतरनाक तो ये मीडिया हैं,
जो बुद्धिजीवी होने के बावजूद अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं केवल माननीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के पैकेज पर अथवा उनके दबाव पर। पंडित जी, अमित शाह बोल रहे हैं बीजेपी के हम बंगाल में भी सरकार बनाएंगे, आते वर्ष जहां यूपी में भी दोबारा सरकार बनाए, इसे आप कैसे देखते हो? ये इनकी शैली है हमेशा, जहां भी इनका एक भी मतलब खाता नहीं खुला हुआ होता है वहां ये कहते हैं शुरू में कि हम 70+ लेंगे, यानी 100 में से 70 सीट लेंगे और 70 में भी प्लस एक प्लस शब्द जोड़ देते हैं, जैसे एक घमंड और एक तरीका, या जो छल छद्म करते हैं ईवीएम के माध्यम से, या एक तरीके से एक मनोबल तोड़ने के लिए वहाँ एक उस दूसरी राजनीतिक पार्टियों का, खासतौर से जनता से एक भ्रमात्मक समर्थन लेने के लिए कि भाई इनकी सत्ता आ रही है, ये 70+ का दावा कर रहे हैं तो 50 तो ले ही जाएंगे, 50% तो ले ही जाएंगे, 40% तो ले ही जाएंगे, और उसका इन्हें लाभ मिल जाता है। झूठ के आधार पर हमारी जनता को भ्रमित करके ये 1% कुछ प्रतिशत वोट बढ़वा जाते हैं। पंडित जी, आप कविता, हमारी जनता को सोचना है, ये भारतीय जनता को सोचना है कि हम इनके बहकावे में, इनके उस दावे में ना आए कि 70+ ले जाएंगे, 100 की 100% ले जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी, ऐसे दावे इस तरीके से करते हैं, बहुत एक मतलब पता नहीं कैसा क्या खेल है, चरित्र ही नहीं है इनका। पंडित जी, आप भी हिंदू वर्ग से आते हैं, लेकिन बीजेपी बोलती है कि सभी हिंदू तो हमारी वोट के पक्ष में हैं, हमारी पार्टी के पक्ष में, आपको लगता है कि ये हिंदू मुसलमान का जो पाड़ा जिन सामाजिक तौर पे जिन्हें डाला जाता है, ये कैसे हो? मैं स्वयं हिंदू हूँ, मैं स्वयं हिंदू वर्ग से हूँ, सनातन ही हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये सत्य है कि क्या हिंदू धर्म ही हमारा कि हिंदू से ही वोट, हिंदू से ही राज का निर्धारण होगा? क्या और धर्म हमारे संविधान में नहीं है? सिख धर्म है जो हमारा हिंदू धर्म ही है, निश्चित रूप से निसंदेह हिंदू धर्म ही है, लेकिन एक वर्गीकरण कर रखा सिख धर्म का, सिख धर्म है हमारे उसमें, और हमारे मुस्लिम धर्म है, दूसरे भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म से ही की शाखा ही है, और इसके अलावा हमारा मुस्लिम धर्म है, हमारे संविधान में है, तो हमारा है, हमारा भाई है, हम तो पाकिस्तान में हमारा भाई था, सहोदर था, कोई विवाद उठ गया, अलग बढ़ गया, जिसको ये पाकिस्तान पाकिस्तान कह के हमें लड़ाते हैं, चाइना कह के उनके प्रति मेरा अलग मत है, चाइना से मत लड़ाओ मोदी जी, पाकिस्तान से मत लड़ाओ, कह दो तुम मुझ पे लगा देना बिल्ला पाकिस्तानी व्यक्ति बोल रहा है, ये कह देना पाकिस्तान का दलाल है, पाकिस्तान से पैसा खाया है, वो हमारे पड़ोसी देश है, देश अलग है, हमारे संविधान अलग है, उनके संविधान अलग है, कुछ हमारे मतभेद भी होते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दुश्मनी इतनी स्थिति तक ले जाए कि उनके चरित्र का हनन करने लगे। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कल को उनकी आवश्यकता पड़े, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारी बिगड़े, कोई अन्य देश हमारे ऊपर, कोई साम्राज्यवादी देश हमारे ऊपर आक्रमण करे, तो यही चीन और पाकिस्तान हमारे काम आएंगे, हमारी राजनीति को मत तोड़ो, और हम पे पाकिस्तानी उसका बिल्ला मत लगाए, हम राष्ट्रवादी हैं, भारत के, भारत की सीमा में भारत की बात करेंगे हम। मोदी जी तो बोलते हैं आप परजीवी हो, परजीवी इन्होंने कहा है, और परजीवी क्या, इन्होंने आंदोलनजीवी कह करके फिर परजीवी तक बढ़ गए हैं, जो दोनों ही शब्द भर्त्सना के योग्य हैं, आंदोलनजीवी कहते तो कम से कम हम थोड़ा सा रुक जाते, समझ रहे, और जैसे ही इन्होंने परजीवी कहा तो ये बहुत बड़ा कुठाराघात इन्होंने किया है, और ना केवल कुठाराघात ये भारत के आंदोलनकारियों पे किया है, ये तो पूरे विश्व के, धरती के, भूमंडल के आंदोलनकारियों पे, आंदोलन बुरे नहीं होते, भारत के संविधान में माननीय मोदी जी लिखा हुआ है कि बाकायदा आंदोलन करने का हक दिया गया है, और सभी संविधानों में दिया गया है आंदोलन का, जितने भी प्रजातंत्र के देश हैं उनमें आंदोलन करने का हक है, यहाँ तक है कि जहाँ राजशाही भी होती है तो वहाँ आंदोलन उठ जाते हैं, अगर उनके प्रोटोकॉल में लिखा भी नहीं है तो आंदोलन उठ जाते हैं, और जनता के कई बार आंदोलन पवित्र होते हैं जब राजशाही के खिलाफ उठते हैं, तो यह तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार हमें मिला हुआ है, हमारा मूल अधिकार है, ना केवल मूल अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, ये गए हैं हमें उठाने के लिए सड़क पे से, इन्होंने याचिकाएं डाली हैं, विवाद हुआ है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि आंदोलन उनका मूल हक है, उन्हें उठा नहीं सकते हम, हाँ हमारा निर्देश है वो हिंसा से बचे, सही है, हम आदर करते हैं, हम इतनी बात का आदर करते हैं, यद्यपि उसी समय सुप्रीम कोर्ट का निस्तारण कर देना चाहिए था, क्या स्वेच्छ संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं कर सकता? इस देश में सच पूछो तो सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव है और मीडिया पर भी दबाव है, खत्म हो चुका है देश, खत्म है देश, इस राजनीतिक पार्टी ने खत्म कर दिया, पूर्ण बहुमति से क्या मिला, ये प्रमाद में आ गए, ये भारत के संविधान को बिना बदले ही संविधान बदल रहे हैं।
राहुल गांधी का संसद में बयान सी कि हम दो हमारे दो का इशारा सी भी मोदी तो अमित शाह अडानी तो अंबानी हम दो हमारे दो ये चार ही बंदे इस वेले देश की उपर पूरा अपना जिहड़ा कानून थाप रहे हैं जां इन्हां दीआं नीतियां चल दीआं। देखिए मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता मैंने आज तक नहीं ली है, 5 रुपए की भी नहीं और 50 रुपए की भी नहीं, 50 लाख की भी नहीं। कोई सदस्यता मैंने किसी राजनीतिक पार्टी की आज तक नहीं ली है, बाय गॉड, समझ रहे हैं, बिल्कुल भी। और ये भी सब लोग चक्कर काटते थे और भी, ये तो घर घर चक्कर काटते रहे हैं, लेकिन मैंने कभी इनसे नहीं जुड़ा। मैं कितने ही लोग कहते हैं अरे चंचल जी इनमें जुड़ जाते तो आज कहाँ होते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने राष्ट्रवाद से समझौता कर लूँ। किसी की फिलॉसफी मुझे गलत लग रही है, मैं उससे क्यों जुड़ूँ। वो तो बोलते हैं कि जो बीजेपी में है वही राष्ट्रवादी है। आपने प्रश्न किया था, मैं उसी में कह रहा हूँ। तो मैं माननीय राहुल जी की पार्टी से भी नहीं जुड़ा हुआ हूँ, ये सत्य है। और लेकिन मैं निसंदेह ये कहूँगा, जो सत्य है जो देख रहा हूँ, कि माननीय राहुल जी ने जो कहा वो बेचारे धीरे धीरे बार बार कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। अडानी और अंबानी को केंद्रित करके ही हमारे इस राजतंत्र में बहुत से कानून बनाए जा रहे हैं, जो खास तौर से व्यवसायिक जो कानून हैं वो अडानी अंबानी के आधार पे बन रहे हैं। जो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए कानून हैं, जैसे अब ये चाहे भू अधिग्रहण का कानून हो, भू अधिग्रहण का कानून बदलना चाह आते के साथ ही, वो अंबानी अडानी के इशारे पे राहुल जी ने वो बना दिया था। चलते चलते अंग्रेजी शासनकाल का कानून चला आ रहा था, वो पूरा स्पष्ट नहीं था, पूरा हक नहीं था, समय बदल गया था, बहुत साल 60 साल हो गए थे, तो आवश्यकता थी उसे परिवर्तन होने के लिए। कांग्रेस भी उसे समय पर नहीं बदल पाई थी। एक राहुल नाम के एक शख्स, एक राहुल नाम की एक प्रतिभा, एक राहुल नाम का एक विद्वान बालक, जिसको ये इधर उधर के शब्द प्रयोग करते हैं, इनका क्या है कि अगर कोई बढ़ रहा है, मैं बढ़ रहा हूं, तो मेरे चरित्र पर ही प्रश्न उठाने शुरू कर देंगे, मुझे ही पाकिस्तानी कहना शुरू कर देंगे, मुझे ही पप्पू कहना शुरू कर देंगे, आदि आदि कोई भी विशेषण देना शुरू कर देंगे। ये विशेषणवादी हैं। नहीं, बीजेपी बोल रही है कि जो बीजेपी में है वही हिंदू है, वही देश का प्रेमी है, बाकी तो सब गदार हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है, वो तो अपने आप को केंद्र, वो तो सारा पूरे संसार पर शासन करना चाहती है, चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और गलत सिद्धांतों के आधार पर। जो होना था वो हो लिया, पोल खुल गई है, रहस्य खुल रहा है, खुलता जा रहा है, और अभी जो कोई घूम रहा है हमारे भारत की जनता, कहीं कोई भाई कोई वर्ग, तो धीरे धीरे वो भी सब समझ जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो है असत्य ही उदय रहेगा, कुछ समय होता है असत्य उदय, सत्य ही उदय रहेगा, सच्चाई है। ये वीर भगत सिंह की भूमि है, ये सुभाष की भूमि है, ये उधम सिंह की भूमि है। माननीय मोदी जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने कानूनों को बदलो, कानून नहीं बदलते हो। और अभी जो मेरे पत्रकार महोदय ने जो ज्वलंत सवाल किए हैं, ये और बड़े पीड़ादायक हैं, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से किसान कानून से अलग हट करके, क्योंकि देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं। फिर जब कोई व्यक्ति इतना कठोर कानून बनाता है, तो उसके पिछले दूसरे कानूनों को, उसकी सांप्रदायिकता को, उसकी दूसरी विषय वस्तु पर भी अवधान और प्रश्न उठता है, अभिव्यक्ति होती है समाज में कि ये तो वहाँ भी गलत है, ये वहाँ भी गलत है, ये यहाँ गलत इसलिए गलत है, ये वहाँ भी गलत है, वहाँ भी गलत है, अब तो यहाँ 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 गलत है ही है किसान के बिंदु पर। तो माननीय मोदी जी से मेरा निवेदन है कि अभी तो सिद्धू पकड़ा गया है, वीर भगत सिंह पकड़ा जाएगा, वीर भगत सिंह पकड़े नहीं जाएंगे, वीर भगत सिंह दिल्ली आएगा, सुभाष दिल्ली आएगा, ऊधम सिंह दिल्ली आएगा, सारे शहीद अंतरिक्ष उतर के आएंगे, गारंटी से। यहाँ ऐसा नहीं है धरती वीरों से खाली है, उनकी आत्मा यहाँ विराजमान है। और आज एक ऊधम सिंह नहीं है, आज एक वीर भगत सिंह नहीं है, इनकी भूल है, आज एक वीर सुभाष नहीं है, आज नाना बहुत लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वीर भगत सिंह, वीर सुभाष, वो तो प्रेरणा दे के चले गए, वो तो हमारे अंदर मंत्र जगा के चले गए। हम राष्ट्रवादी हैं, हम पाकिस्तानीवादी नहीं हैं, हम चाइना नहीं हैं, हम परजीवी नहीं हैं, हम बीजेपी जीवी नहीं बनना चाहते, भारतीय जनता पार्टी हम सांप्रदायिकता जीवी नहीं बनना चाहते, हम राष्ट्रवादी हैं, भारत की जनता राष्ट्रवादी है, ये छदम राष्ट्रवादी है। माननीय मोदी को बदलना होगा, इनकी भारतीय जनता पार्टी को बदलना होगा, और संघ सुन ले, संघ अपने हित में, तुम संगठन बना चुके हो, तुम अपना प्रचार प्रसार लाखों कार्यकर्ता पैदा कर चुके हो, तुमको और क्या चाहिए। अरे बारी बारी से अपने नीति लाइए, अपना समय अपना अवसर दीजिए, जनता के हृदय में स्थान बनाइए, अच्छी नीति लाइए और अपना स्थान प्राप्त करिए। अच्छी नीति पे तुम्हें शंका है कि हमारा शासन झूठ बोलकर जल्दी आएगा, 5 साल नहीं आएगा तो क्या दिक्कत है। हरिश्चंद्र चले गए, कितने राजा चले गए,
कितने हिटलर चले गए, कितने अच्छे राजा चले गए हरसिंह जैसे, क्या वो युग युग तक शासन करते हैं? युग युग तक किसी का ठेका नहीं है मोदी जी। ये धरती आनी जानी है, धरती आनी जानी है। यश का बिल्ला लगा, यश का बिल्ला टांग, बीजेपी का बिल्ला मत टांग, आरएसएस का बिल्ला मत टांग, और बिल्ला टांग ले, हमें कोई घृणा नहीं है। अपनी नीतियों में परिवर्तन कीजिए, राष्ट्रवादी नीति लाइए, हम स्वयं तुम्हारे अनुगामी होने के लिए तैयार हैं। पंडित जी, आपने जो कविता लिखी है किसानों के हक में, वो कविता में आपने सरकार को भी चेतावनी दी है, और मैंने आपकी कविता पढ़ी है पहले, तो आपने किसानों के हक में जो बात की है, इस कविता में आप किसानों का उत्साह कैसे बताएंगे? देखिए, किसान इस समय पे मैंने कल्पना की है इस कविता में, और कल्पना क्या वास्तविकता है, और हृदय में दया एकदम जागृत हुई, किसान से भी ज़्यादा उस पर हुई, जो हमारा उपेक्षित, जो हमारा किसान का एक सहयोगी साथी इष्ट भगवान किसान का, कौन? गौ माता का पुत्र, बछड़ा, बैल, बछड़े, बैल के अलावा बछड़े छोटे छोटे, जो भविष्य में हमारे किसान के वो हैं, संवाहक हैं, रथी हैं, श्री कृष्ण हैं, वो उनके रथ को हाँकने वाले, किसान के रथ को हाँकने वाले, इस अर्जुन रूपी किसान के रथ को हाँकने वाले हैं। अर्जुन अपना एक सत्य लक्ष्य, महाभारत का लक्ष्य, इस भारत के लिए महाभारत का, महाभारत मतलब सत्य धर्म है, महाभारत युद्ध नहीं, उसके रथ को हाँकने वाला, भारत के रथ को हाँकने वाला वो हमारा जो अर्जुन है, किसान है, और इसका हमारा जो वो बैल है, वो बछड़ा, वो वहाँ खेतों में बंधे हुए हैं, एक नहीं लाखों 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 खेतों में बंधे हुए हैं, और जहाँ खेत में बांध के यहाँ भाग आया किसान, घर में बांध के, घेर में बांध कर, हाथ में यहाँ चले आए, पूरा परिवार यहाँ पड़े हुए हैं, वो भूखे प्यासी पड़ोसी देख रहे हैं, कर रहे हैं जैसे भी है, वो भूखे प्यासे हैं, इसकी दया तो मोदी जी करे। ये गऊ की पूजा की बात करते हैं, केवल दिखाने के लिए करते हैं। आरएसएस तू कहाँ गया? गऊ का धन वहाँ भूखा प्यासा मर रहा है, इनका समाधान उसी के लिए कर दो। योगी जी संदेश दो, तुम गऊ के बछड़ों को जाकर के वहाँ रोटी खिलाते हो जाते हो, और बछड़े लपक लपक करके तुम्हारी छाती पर आते हैं, प्यार दिखाते हैं, माना तुम्हारे अंदर प्यार है, तो इस प्यार को मोदी के अंदर जगाओ। योगी जी कहो, भले ही मुख्यमंत्री हो आप, स्पष्ट कहिए कि किसानों की बात को मांगो, पशुधन भी बर्बाद हो रहा है, हमारा धन भी, कृषि धन भी बर्बाद हो रहा है, और हमारा किसान भी बर्बाद हो रहा है, हमारा भारत बर्बाद हो रहा है, हम ले क्या लेंगे, ना हम अपनी पार्टी में ले पाएंगे, ना हम वोट में ले पाएंगे, धीरे धीरे संक्रमण बढ़ता जा रहा है, संक्रमण गलत नहीं बढ़ रहा, संक्रमण कोई गलत संक्रमण नहीं है हमारा, संक्रमण का मतलब आंदोलन का, आंदोलन बढ़ता जा रहा है, आंदोलन का संक्रमण गुणकारी है, हितकारी है, लेकिन राष्ट्र के लिए अहितकारी हो जाएगा अगर ये मांग जल्दी नहीं मानी तो। जल्दी तो देर हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर कहता हूँ माननीय मोदी जी कि उससे पहले के भगत सिंह आए, उससे पहले के सुभाष आए, उससे पहले के ऊधम सिंह आए, उससे पहले चंद्रशेखर आजाद आए, उससे पहले की लक्ष्मी बाई वहाँ आए, तुम्हारा तख्ता पलट करने के लिए अवतीर्ण हो जाए पूरा भारत। मात्र लाख आदमी चाहिए माननीय मोदी, मात्र लाख आदमी तख्ता पलट के लिए। मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, मैं संज्ञान दे रहा हूँ, कवि हूँ मैं, ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हारे हृदय में ज्योति जगा रहा हूँ, ज्ञान की बाज आ जाओ। कितने ही दूसरे देश हैं 50,000 में तख्ता पलट रहे हैं, मात्र 50,000 की जनता चलती है। ट्रंप ने 50,000 भी प्रयोग नहीं करे, स्थिति कितनी भयानक बन गई थी, बात साध ली, उसी की पार्टी के लोग डिवाइड होकर के आ गए, इसलिए बात सध गई। वरना वहाँ सब ड्रामा होता है, एक अच्छे व्यक्ति के साथ होता, जब अच्छे व्यक्ति के साथ होता है तो किसी भी गलत सत्ता के साथ तो निश्चित रूप से महाक्रांति आएगी, भारी हो जाएगा। ये तख्ता पलट की चेतावनी अभी किसान ने नहीं दी है, ना मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। मैं दूरदृष्टा हूँ, मैं कवि हूँ, मैं अंतरिक्ष से झांक रहा हूँ, मैं सूक्ष्मदर्शी हूँ, सूक्ष्म शरीर को मैंने साधने की योग साधन किया है। माननीय मोदी सुन लो, इस बालक ने योग साधन किया है, और सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है मेरा, 100-100 बार आता है, 100-100 बार बाहर जाता है साधनाओं से, कोई भ्रम में नहीं, सपने में नहीं, ध्यान योग में बैठने पर भी और लेट कर आत्मसम्मोहन करने पर भी संज्ञान रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ बैठ करके, वो शरीर बाहर निकलता है। मैं उस अंतरिक्ष से बोल रहा हूँ, धारा प्रवाह बोल रहा हूँ, कोई लिख के नहीं लाया हूँ, कविता भले ही लिखी हुई है। अब इस कविता को सुनिए माननीय मोदी जी, मेरा विनम्र निवेदन है।